हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर इस वीडियो में हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक सर्किट डायग्राम देके रखा है जिसके अंदर 24 वोल्ट की एक बैटरी है, 3 ओम, 6 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है। और पूछा क्या गया है कि यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, यानी कि ये जो 4 ओम रेजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से? नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से। अब पिछले वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप नॉर्टन थ्योरम देख लिया था। मैंने आपको बोला था 4 पॉइंट्स याद रखने के, तो वही 4 पॉइंट के हेल्प से हम ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट कौन सा था अगर आपको याद हो तो? उसमें पहला पॉइंट ये था कि जिस रेजिस्टर में से आपको करंट निकालना है उस रेजिस्टर को आप RL बोल दो। उस रेजिस्टर को क्या बोल दो? RL बोल दो। ठीक है, यानी कि हमें 4 ओम में से निकालना है कितना करंट पास हो रहा है, तो हम 4 ओम को क्या बोल देंगे? RL बोल देंगे। और जो लोड रेजिस्टेंस RL यानी लोड रेजिस्टेंस में से जो भी करंट फ्लो होता है उसको आप IL बोल दो। तो यहां पे इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? IL जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हो वो सारे वोल्टेज सोर्सेज को आप एक इक्विवेलेंट कौन सा? नॉर्टन्स करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पे कितने वोल्टेज सोर्स है? एक ही वोल्टेज सोर्स है। उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको करना है इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट सोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्टन करंट सोर्स को वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं नॉर्टन में। सो ये हमारा हो गया करंट सोर्स, उसको हम क्या बोलते थे? IN इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट सोर्स। ठीक है, अच्छा तो दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? पॉइंट नंबर 3 के जितने भी रेजिस्टेंस हो वो सारे रेजिस्टेंस को आप किस में कन्वर्ट कर दो? इसके अलावा, RL के अलावा। क्यों? RL में से तो हमें कितना करंट पास हो रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, तो RL के अलावा कितने रेजिस्टेंस है? यहां पे 2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों को इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। उसको हम RN से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसको ये दोनों रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे, तो ये कन्वर्ट हो गया RN। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? कि जो IN और RL है दोनों को किस में कनेक्ट करना था? हमको पैरेलल में कनेक्ट करना था। तो ये IN और RL को पैरेलल में मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, तो ये 4 पॉइंट हमारे खत्म हो गए यहां पे। और बाद में बचा हमारा ये कौन सा? RL, लोड रेजिस्टेंस कितना? 4 ओम, जिसमें से हमें करंट का वैल्यू ढूंढना है IL, जो हमें पूछा गया है फाइंड यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी ये IL का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो सर्किट डायग्राम बन गया बच्चों, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट। ठीक है, अब अगर हमें IL का वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था करंट डिवाइडर रूल से फाइंड करना है, उसका सिर्फ इक्वेशन ही आपको याद रखना है। इक्वेशन क्या था? अगर IL का वैल्यू चाहिए RL में से तो हम बोलेंगे क्या? टोटल करंट, उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? उसको मल्टीप्लाई करते थे ऑपोजिट ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे, और डिवाइडेड बाय क्या करते थे? डिवाइडेड बाय हम करते थे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो IL का वैल्यू कैसे हम ढूंढेंगे? IL बराबर टोटल करंट कितना है, इसमें टोटल करंट IN के जितना है नॉर्टन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के जितना, मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यानी कि हमें RL में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके ऑपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है? RN जितना, तो इसको बोलेंगे ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा RN डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब कितने रेजिस्टेंस है इसमें? 2 ही रेजिस्टेंस है। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों पैरेलल में है, नहीं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस यानी ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, यानी RN प्लस RL। तो यहां पे मैं लिख लू RN प्लस RL। तो बच्चों ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज रखेंगे
और जो भी आईएल का आंसर होगा वही आंसर हमारा क्या होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आईएल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, वो तो देके रखा है 4 ओम, तो बाकी क्या बचा, आईएन और आरएन, आईएन और आरएल। तो हम क्या करते थे, स्टेप वन में आईएन ढूंढते थे और स्टेप टू में आरएन ढूंढते थे और दोनों की वैल्यू ये इक्वेशन में रखते थे, आरएल दिया गया है तो फाइनल आंसर हमें एम्पियर में मिलता था। ठीक है, तो वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन सा क्या चीज ढूंढनी थी हमें स्टेप वन में, आई एन ढूंढना था। तो यहां पे हम लिख देंगे फाइंड आई एन। ठीक है, फाइंड आई एन, आई एन कैसे ढूंढते थे, अगर आपको याद हो तो हम ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देते थे। तो यहां पे लिख देते हैं रिमूव लोड रेजिस्टेंस आर एल, और उसको क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी यहां से ये आरएल निकाल दिया, सपोज ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, इसको यहां से निकाल दिया और ये ए बी टर्मिनल दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, या फिर यहां पे ये टर्मिनल बी टर्मिनल ये निकल गया तो दूसरा एक वायर लिया जीरो रेजिस्टेंस का, वो यहां पे रख दिया। ठीक है, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, अब ये वाला जो एग्जाम में देके रखा है तो यहां पे मैं पहले तो बना दूं क्या, 24 वोल्ट का बैटरी, अच्छा बाद में ये बना दे रेजिस्टेंस कितना, 6 ओम्स का, यहां पे नीचे कुछ नहीं है, यहां पे क्या है 3 ओम का रेजिस्टेंस, और ये जो आई अपना आर एल जो है लोड रेजिस्टेंस उसको क्या करना है, रिमूव करना है और शॉर्ट सर्किट करना है, यानी ये जो ए टर्मिनल है बी टर्मिनल इसमें से निकाल दिया क्या, आर एल निकाल दिया और दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका दिया, यानी कि ये ऐसे बन गया कुछ, यहां पे जीरो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या ढूंढना है, आई एन ढूंढना है, तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर आई एन ढूंढना है, तो करंट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एन आई एन जितना फ्लो हो रहा है, यहां पे बना दिया मैंने आई एन जितना फ्लो हो रहा है। अच्छा ये R कौन सा लेंगे ये दोनों में से, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, अब आई एन को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट, V देके रखा है, लेके रखा है 24। आर इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे, अब यहां से करंट गया, यहां पे आया, यहां पे आया, अब ये पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट पे ये करंट डिवाइड नहीं होने वाला, क्यों, ये करंट ये ब्रांच में जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये करंट को एक जीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया है, यहां पे ब्लॉकेज है तो ये करंट यहां नीचे जाने के बजाय सीधा ऐसे निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस तो पिक्चर में आया ही नहीं, यहां से तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 6 ओम के बराबर, तो यहां पे मैं लिख लूं 6 ओम। ठीक है, अच्छा तो इसमें से आई एन का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा कितना, 6 4 जा, तो यहां पे मैं लिख लूं आई एन बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, आई एन का वैल्यू मिल गया, यहां हम रखेंगे तो रखते जाए, तो आई एल बराबर आई एन का कितना हो गया, 6 सॉरी आई एन का कितना हो गया 4 इंटू आर एन ढूंढना है, आर एन ढूंढना है प्लस आर एल कितना देके रखा है, 4 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 4 लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम स्टेप टू में क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो स्टेप टू में हम फाइंड करते थे, अब एक ही बचा है आर एन, तो उसके लिए लिखते थे फाइंड आर एन। अब आर एन कैसे फाइंड करते थे, अगर आपको याद हो तो जो भी बैटरी थी उसको निकाल देते थे, रिमूव कर देते थे और उसको शॉर्ट सर्किट कर देते थे। तो कैसे, तो यहां पे मैं बना दूं, ये बैटरी निकल दी, यहां से बैटरी निकाल दी और ये सपोज सी और डी टर्मिनल है तो ये सी डी टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यानी शॉर्ट सर्किट कर दी बैटरी को। ठीक है, अच्छा बाकी क्या बचा, बाकी बचा यहां पे 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे क्या था 3 ओम का रेजिस्टेंस, और लास्ट में क्या करते थे हम, लास्ट में जो भी लोड रेजिस्टेंस यहां पे हमने ए और बी में से निकाला था और शॉर्ट सर्किट किया था उसको हम ओपन टर्मिनल बनाते थे या ओपन सर्किट बनाते थे, यानी ये और ए और बी क्या हो गए हमारे ओपन सर्किट। तो स्टेप टू में क्या ध्यान रखना है, पहला चीज क्या, रिमूव करना है किसको, बैटरी को या वोल्टेज सोर्स को, और उसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। अच्छा दूसरा क्या करना है, मेक ए एंड बी एज ओपन सर्किट, ए और बी को ओपन कर देना है। अच्छा
और बाद में मैंने क्या बोला था, स्टेप टू में हमेशा आप कहां से देखोगे, स्टेप टू में हमेशा बच्चों आप ये साइड से देखोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये और भी टर्मिनल है, यहां से कुछ करंट आया, ये पॉइंट जंक्शन है, यहां से कुछ करंट इधर निकल गया, कुछ करंट इधर निकल गया। इसका मतलब ये 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, क्योंकि सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हमको इसका इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस ढूंढना है तो ये कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का क्या फॉर्मूला था, 1/R = 1/R1+R2, या फिर हम क्या बोलते थे शॉर्टकट में, ऊपर की साइड दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और नीचे एडिशन। तो हम ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दे 6 × 3 डिवाइडेड बाई एडिशन नीचे 6+3, तो ये हो गया 6 × 3, ये कितना हो गया 6+3 9, तो ये 3 × 3 = 9 और ये 3 × 2 = 6, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, यहां पे मैं लिख लूं आरएन का वैल्यू हमें मिल गया 2 ओम्स के बराबर, ठीक है। अब ये आरएन का वैल्यू यहां पे हम रखेंगे तो ये कितना हो गया 2, ये कितना 2, ये कितना हो गया, ये 4 × 2 / 4+2 = 6, तो ये 3 से कैंसिल, 2 × 3 = 6, तो ये आंसर आ गया 4/3, यानी आई एल का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, आगे जाएगा ये, तो ये आ गया हमारा आई एल का आंसर किसमें, एम्पियर में, तो यहां पे मैं आंसर लिख लू, ठीक है। यानी कि हमें क्या पूछा था, 4 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है, तो हमने बोला था आई एल जितना, तो कितना 4 ओम में से करंट फ्लो हो रहा है, 1.33 एम्पियर जितना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो यहां पे ही करते हैं वीडियो को समाप्त, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल यही नॉर्टन थ्योरम्स पे जो बेस होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।